तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी का एक कमाल का फीचर बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं कोई से भी एंड्रॉइड मोबाइल का एक कमाल का हिडन फीचर बताने वाला हूँ, जो कि आपको हर एंड्रॉइड मोबाइल पे मिलेगा। और इसको कैसे यूज करेंगे और एक्चुअल में ये फीचर ये क्या है क्या, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आए सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ कमाल का एक हिडन फीचर। उसको यूज करने के लिए मैं उसको यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ, या बोल सकते हैं उसको इनेबल कर लेता हूँ। आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक मैग्नीफाइजर लेंस दिख रहा है, और उसको जहां जहां आप घुमाएंगे वो आपको यहाँ पर बड़ा सा दिख रहा होगा। आप देख रहे होंगे जहां जहां आप उसको घुमाते जाएंगे वो स्क्रीन वहां तक बड़ी होती जाएगी और आपको वहां पर सब दिखता जाएगा। और अगर चाहें तो आप इसमें भी जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, और भी जूम करना चाहें तो और भी यहां पर जूम कर सकते हैं। ये आप कहीं भी किसी चीज को, अगर आपको कोई पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। गैलरी में नेट चलाते वक्त या कहीं भी आपको अगर कहीं जरूरत हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको पूरी स्क्रीन में भी यूज कर सकते हैं। पूरी स्क्रीन में यूज करना है तो आप इसको पूरी स्क्रीन में भी यूज कर सकते हैं, और पूरी स्क्रीन आपकी यहाँ पर ऐसे वर्क करने लग जाएगी जूम की तरह, और भी अच्छी तरीके से आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया यहाँ पर। अगर आप कहीं मान लो कोई यहाँ पर कोई मैसेज पढ़ रहे हो, मैसेज तो जूम हो जाता है, बट फिर भी अगर मान लो कोई आप मैसेज पढ़ रहे हो, आपको कोई मैसेज पढ़ रहे हो और आपको उसको जूम करना है, तो आप यहाँ से इसको इनेबल करो, यहाँ से इसको इनेबल करो। इनेबल तो है ही पूरी तरह से। आप इसको यहाँ से इसका साइज यहाँ से आप छोटा कर लो। छोटा करने के बाद आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर लो। एडजस्ट करने के बाद अगर आप इसका जूम की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बढ़ा के आप कहीं भी इसका यूज़ कर सकते हैं, और अच्छे से ये वर्क करेगा। आप देख रहे होंगे ये अच्छे से आपको एक एक चीज़ यहाँ पर दिख रही होगी, पूरा मैसेज। आप यहाँ पर इसको जूम इन करके जूम आउट करके पूरी तरीके से आप अपना पूरा मैसेज यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। लाइव देख सक रहे हैं पूरा मैसेज आप यहाँ से यूँ करके घुमा फिरा के यूँ रीड आउट कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको आपको बड़ा करके देखना हो तो आप इसको यहाँ पर इससे मैग्नीफाइजर लेंस से देख सकते हैं। उसको इनेबल करने के लिए सिर्फ आपने यहाँ पर दो फिंगर से इनेबल करना है, और दो फिंगर से ही वो ऑटोमेटिक हट जाएगा या फिर ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। तो एक्चुअल में और भी इसके अंदर एक फीचर और है, इसको कैसे इनेबल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसको इनेबल करने के लिए हमें जाना है यहाँ पर सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ नीचे की तरफ एसेबिलिटी वाले ऑप्शन पे। एसेबिलिटी वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना है विजिबल इनहांस में। विजिबल इनहांस में जाने के बाद आपको नीचे मिलेगा मैग्नीफायर मैग्नीफिकेशन वाला ऑप्शन। आपको जाना है मैग्नीफिकेशन में, और मैग्नीफिकेशन में जाके आपको इसको यहाँ पर ऑन कर लेना है। और शॉर्टकट में जाके यहाँ पर आपको शॉर्टकट में जाके स्वाइप फिंगर टू पर सेलेक्ट कर लेना है। आप चाहें तो फ्लोटिंग अवर भी कर सकते हैं, बट मेरा पसंद है आप स्वाइप इस पर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाओ, और यहाँ पर तीन चार मेथड और भी दिए गए हैं, आप इस तरीके से भी इसको इनेबल कर सकते हैं। लाइक प्रेस एंड होल्ड वॉल्यूम अप एंड डाउन की के साथ, प्रेस स्लाइड एंड वॉल्यूम अप की के साथ, और ट्रिपल टैप के साथ। बट मुझे सबसे अच्छा सजेशन लगा गैजेट्स के साथ, तो कि मैंने इनेबल करा। आपको यहाँ पर इनेबल कर लेना है, उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर यहाँ से सब करेंगे, आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं एक एक चीज़ जूम करने की। आप इसकी कैपेसिटी को भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, कम ज़्यादा यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसका साइज देखना चाहे तो साइज को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको साइज कम ज़्यादा करना तो आप यहाँ से साइज कम ज़्यादा उसका यूज़ करके कर सकते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल। इसमें एक चीज़ और कमाल का फीचर वो है, और मैं बताता हूँ उसके लिए आपको करना क्या है। इसको मैं ऑफ कर दूं। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ है मूव विद कर्सर वाइल टाइपिंग, आपको इसको भी ऑन कर लेना है। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है, आपको इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद मैं आ जाता हूँ लाइक मैं आ गया हूँ यहाँ पर मैसेज टाइपिंग में, ठीक है। अब मैंने उसको यहाँ से ऑन करा, ऑन करने के बाद मैंने उसको कर दिया मैसेज टाइपिंग में, ठीक है। अब मैं यहाँ से टाइपिंग करूँगा तो वो आगे भी होता जाएगा। आप देख रहे होंगे वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होता जा रहा है, ऑटोमेटिक वो एडजस्ट होता जाएगा और आपको पूरा यहाँ पर बता देगा। जितनी बार उसको आगे टाइप करते जाएंगे वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होकर पूरी स्क्रीन में आपको यहाँ पर दिखता जाएगा। आपको कहीं दोबारा उसको टैप करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो पूरा ऑटोमेटिक इसके अंदर आपको फिक्स करके दिखा देगा। तो ये होता है टाइपिंग वाला ऑप्शन। आप जब यहाँ से बैक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो बैक होके वापस भी वहीं आ जाएगा। आप जैसा जैसा लिखते जाएंगे वो आगे आगे आपको स्पेस बढ़ा के वहाँ पर बताता जाएगा। आप देख रहे होंगे ये ऐसे ऐसे स्पेस बता के आप जितनी बार भी लिखते जाएंगे सब आपको एक ही स्क्रीन में बताता जाएगा। तो इस फीचर का आप यहाँ पर ऐसे भी यूज कर सकते हैं। कमाल का फीचर है, यूजफुल फीचर है, इसलिए मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। ये फीचर आपको पता था या नहीं था आप मुझे कमेंट कर जरूर बताना, और कुछ आप कोई नया टिप बताना चाहते हैं तो वो भी मुझे जरूर बताना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो
एंड्रॉइड से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली इंस्टाग्राम में फेसबुक पे डीएम करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना ना भूलें। यहां तक आपने मेरी वीडियो देखी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।